हेलो वॉचर्स, तो सब तरफ मेरे ही मेरे ही मेरे ही मेरे ही चर्चे हैं, तो मेरी कहानी नहीं जानोगे सालो। लास्ट वाली वीडियो में तो वुल्वरीन की ले ही ली, मतलब देख ली वीडियो, तो अब मेरी भी देख लो। आ आ आ आ अबे कहानी इधर आओ मेरे पास। हाँ हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वरना वैसे ये मेरे नकली वाली हंसी है। चलो गाइस, नो बकवास, लेट्स स्टार्ट। तो डेडपुल जा रहा है किसी को मारने, जहाँ है दोपिंदर उसकी कार में, मतलब दोपिंदर की कार में डेडपुल है। आगे ब्रिज पर डेडपुल मार के उड़ी लगा देता है लाशों की छड़ी, और उसके बाद और वो मरने ही वाला था फ्रांसिस को। वेट, हु इज फ्रांसिस? इसके लिए फ्लैशबैक में जाना होगा यार। लेकिन साला डेडपुल के हाथ में ये क्या है? मैं बताएगा। जिसका हाथ में लेने की डेडपुल ने की थी कोशिश, उसका नाम है कोलोसिस। कोलोसिस एक म्यूटेंट है जिसका सब कुछ लोहे का है। वो भी। और ये है मेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, जिसकी आवाज की गूंज बहुत दूर जाती है। मतलब वो एक चलता फिरता बॉम्ब है भाई, वीडियो में आगे देख लेना। लेकिन जब पकड़ा पकड़ी चल ही रही थी। नहीं यार, मैंने कहा था एडिटर को ये काटने के लिए। तुम लोग भी ना अब मुझको बस गलत ही समझोगे। वैसे मेरा मतलब वही था, क्योंकि एडिटर तो मैं ही हूँ। तो इस वजह से फ्रांसिस भाग गया। हाँ हाँ फ्रांसिस, ओहो समझ गया, दिस इज फ्लैशबैक टाइम। तो चलते हैं पास्ट में। डेडपूल का असली नाम है वेड विल्सन, जो एक्स कैनेडियन मिलिट्री मैन है, मगर अब भाड़े पर लोगों को धोता रहता है, मतलब मारता है। इसी बीच मुलाकात होती है वेनेसा से। आगे आगे और क्या करो गपागप। अबे खोचू प्रसाद, ये हॉलीवुड की मूवी है, तुम्हें क्या सूरज बड़जातिया की लग रही है। आगे कैंसर है बेट को, ऐसा पता चलता है, इसीलिए वो वेनेसा को चुपचाप छोड़कर चला जाता है, क्योंकि यार वो चाहता है कि उसको वेनेसा मरते हुए नहीं देखे। वो क्या, कोई भी होता तो यही चाहता। आगे वेट मिलता है एक आदमी से, जो उसे मिलाता है दूसरे आदमी से। आदमी हो, आदमी से प्यार करता हो, बस कर मुन्ना, अब रुलाएगा क्या? अगर रुलाया तो सुनाता हूँ आगे कहानी। दूसरा आदमी ही फ्रांसिस है, जो कि होता है म्यूटेंट प्रोग्राम का लीडर। वो कुछ तो करता है वेट को लेटा कर, जिससे वो हो जाता है बहुत ही खतरनाक भयंकर, उससे भी बुरा। अब वो म्यूटेंट बन जाता है और उसकी बॉडी से कैंसर भी भाग जाता है। देखो गाइस, फ्रांसिस खुद भी एक म्यूटेंट है, लेकिन फ्रांसिस म्यूटेंट बनाकर चाहता था वेट को बेचना, लेकिन अब जान गया वेट सच्चाई, तो मजा भी तो उसी को पड़ेगा ना चखना। भागने से पहले वेड ने कर दी फ्रांसिस की खड़ी खाट, जाते जाते वेड ने लगा दी फ्रांसिस की वार। मगर सच्चाई तो ये है कि फ्रांसिस ने वेड को पेला था, और जाते जाते ये बोला था, तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं ही तुझे ठीक कर सकता हूँ। इस डायलॉग को याद रखना गाइस, क्योंकि इसी डायलॉग पे तो आगे रायता फैलने वाला है। फ्रांसिस से बचने के बाद वापस आया वेड अपने दोस्त के पास, पूछा नाम बताओ कुछ खास, जो आए उसे रास, क्योंकि चाहता है वो फ्रांसिस को ढूंढना, वही चाहे तो वेट को पहले की तरह सकता है बना। तो गेम के नाम पर अपना नाम वो डेडपूल रख लेता है। What? अरे यही था यार पिक्चर में, जाके खुद ही देख लो। जिसके बाद वो बन जाता है डेडपूल और चटाता है दुश्मनों को धूल। अब समझ में आया फ्रांसिस कौन है और डेडपूल उसको क्यों ढूंढ रहा है? और अगर नहीं समझ में आया तो वैसे ये मेरी नकली वाली हंसी थी। उस वक्त तो जल्दी जल्दी में वेट भाग गया था, जो कि एक झूठ है, लेकिन अब और नहीं चलने देगा डेडपूल फ्रांसिस का खेल। उसको देगा डेडपूल बहुत भयंकर पेल, क्योंकि उसी की वजह से वो कभी सर पर नहीं लगा पाएगा तेल। अरे यार, बिना बाल के कैसे तेल लगाएगा वो? आगे फ्रांसिस को भी ये पता चल जाता है पीछे पड़ा है विल्सन वेड, इसीलिए वो कर लेता है वेनेसा को किडनैप। पता चला डेडपूल को तो गया कोलोसिस के पास, हालांकि मेगासोनिक गर्ल डेडपूल को नहीं आती है रास। पहुंचकर फ्रांसिस के अड्डे के पास एक्शन देखने को मिलेगा कुछ खास, जिसके बाद होती है जबरदस्त लड़ाई। दोस्तों समझो शामत आई। आ आ आ आ, डेडपूल की शामत यार, खुद ही देख लो, अपनी चड्डी पड़ा वेट को निकालना, लेकिन नहीं समझा उसकी कोई भावना। अभी बहुत हुआ यार, इतनी राइमिंग कर पा रहा हूँ, जरूर एक दिन बिग बॉस से कॉल आ जाएगा, देख लेना। खैर अब जल्दी जल्दी सुनो। कोलोसिस एक हसीना से मार खाकर, मेगासोनिक कई लोगों को गिराकर, डेडपूल निकालकर तलवार करता है लगातार वार, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाती है, हीरोइन भी जमीन में धस जाती है। लेकिन फ्रांसिस को हराने के बाद वेड बोला, मेरे को पहले जैसा बना, जिससे सब जाए चौक। फ्रांसिस बोला, विल्सन वेड फक ऑफ, मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता यार, जो भी उसने उस डायलॉग में कहा था वो सब तो एक झूठ था। जिसके बाद समझाने के बाद भी डेडपूल फ्रांसिस को पेल देता है, मतलब फ्रांसिस को मार देता है यार। उसके बाद क्या, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाँ हाँ, दिस इज माय फेवरेट सीन बाय द वे। सुनो इधर आओ, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो
अब जाओ यार, कुछ ढंग का काम वाम करो, बर्तन वर्तन साफ करो, झाड़ू वाड़ू लगाओ, बीवी को खुश कर दो, तभी तो वो तुम्हें खुश करेगी। हराम जादो, मेरा मतलब सुकून से था। तो मिलते हैं डेडपूल की नेक्स्ट वीडियो में। अब जाओ यार, फक ऑफ।